So, in this question it is given that VI graph, there are the three resistance R1, R2, R3. You have to find which having the more resistance. किस केस में resistance सबसे ज़्यादा होगा? So, first of all एक काम करिए, आप draw कीजिए एक line parallel. This is the simplest method to find. So, you can see that suppose we consider this is the potential V1, तो हर point पे potential आपको V1 मिलेगा. Every point. But when you draw the line parallel to x-axis, तो देखिए यहाँ आपको एक करंट I1 मिल जाएगा, उससे ग्रेटर करंट आपको मिलेगा I2, मतलब I2 ज़्यादा होगा I1 से, एंड थर्ड केस में आपको जो मिलेगा I3 मिलेगा. अब ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी सॉल्व करना हो तो सिंपल आप ओम्स लॉ अप्लाई करें, V इज इक्वल टू IR. बट याद रखें तीनों केस में V कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब I वेरी कर रहा है, तो एक काम करिए, और रजिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है. तो इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए V/R कर दीजिए और इक्वल्स टू में I करिए, राइट. अब आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, V हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा. तो अगर आप पहला केस ले रहे हैं, V1 आ जाएगा, रजिस्टेंस R3 आ जाएगा और उसके इक्वल्स टू में आएगा I1. अब आप देख सकते हैं I1 की वैल्यू छोटी है, V कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, तो ऐसे आपको 3 times ये लिखना है. सेकेंड केस में आप V रेजिस्टेंस R2 और सेकेंड केस में हो जाएगा I2, और थर्ड केस के अंदर V R3 और रेजिस्टेंस आ जाएगा I3. अब आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, अगर V सब दूर से कांस्टेंट है, अगर R1 छोटा होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा तो I1 उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और अगर R1 जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा I1 उतना छोटा होगा. तो देखिए I1 यहाँ पे स्मॉलर आ रहा है, अगर I1 स्मॉलर आ रहा है I2 से, तो हम ये कह सकते हैं कि I1 की वैल्यू कम है, I2 की वैल्यू ज़्यादा है. सो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होना चाहिए और ये वैल्यू ज़्यादा छोटी होना चाहिए, क्योंकि दोनों में आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है. आई रिपीट अगेन, तो V में कोई चेंज नहीं है, बट अगर I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू में I2 बड़ा है, I1 छोटा है, सो डेफिनेटली मैथमेटिकल फ्रैक्शन अगर हम देखें तो अगर ये वैल्यू स्मॉलर है तो ये वैल्यू बड़ी रही होगी. सो R2 और R3 में देखें तो R3 बड़ा हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, छोटा. अब आप R2 और R1 में अप्लाई कीजिए. सो अब आप R1 में अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे R1 ले लीजिए हमने, तो जैसे ही हमने करेक्शन करा इसमें, देखिए R1 कर लीजिएगा इसको. जब आप R2 और R3 देखें तो देखिए I2 और I3 में I2 की वैल्यू कम आ रही, देखिए I2 नीचे आ रहा है और I3 बड़ा आ रहा है. सो अगर I2 स्मॉलर है तो ये वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर रही होगी, और अगर I3 ग्रेटर है तो इसका मतलब ये वैल्यू स्मॉलर होगी. सो उस कंडीशन में ये सेकेंड रेजिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्मॉलर. सो इंटायर कंडीशन में आप देख सकते हैं R3 जो रहेगा वो R2 से बड़ा है, मतलब R1 से भी बड़ा रहेगा, तो R3 इज ग्रेटर, R2 इज स्मॉलर देन R1. सो उस कंडीशन में हम देखेंगे बाय कंसेप्चुअल जब हम सॉल्व करेंगे तो R3 जो होगा वो सबसे हायर रेजिस्टेंस का जिस सर्किट में ये यूज हो रहा होगा. ओके, सो इस क्वेश्चन को आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट क्वेश्चन मेंशन है.